हमारे साथ एबीपी से उम्मीदवार सचिव अपराजिता जी हैं। अपराजिता जी, आपका ईवीएम पर बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, ये बताइए कि चुनाव है जिसमें एबीपी जा रही है, और इस बार क्या चुनाव मुद्दे होने वाले हैं? आप खुद एक महिला हैं, और महिला सुरक्षा इस बार कितना अहम रहने वाला है? महिला सुरक्षा हमेशा से ही बहुत अहम पॉइंट रहा है एबीवीपी का। चाहे मिशन साहसी का कार्यक्रम करना हो, जिसमें हज़ार से ज़्यादा यू की छात्राएँ आपकी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती है, तो ये भी चीज़ें निरंतर एबीवीपी कराता ही आ रहा है। और जब ऑनलाइन, जब सारे कॉलेजेस बंद थे, सब घर पे थे, तो साइबर सिक्योरिटी के ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें महिलाएँ बहुत परेशान हो रही थी। उसके लिए मिशन साहसी 2.0 करवाया गया था, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग भी दी गई। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने एक नेतृत्व करने का एक साहसिक फैसला लिया है, इसके पीछे क्या मोटिव? मेरा भी जो दायित्व है एबीवीपी में, वो है स्टूडेंट्स और सेवा की स्टेट करने का। तो सेवा का भाव हमेशा से ही था, सेवा से सेवा बनने का सफर एबीवीपी ने तय कराया मेरा। तो सेवा जो भाव है वो मेरे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। उसी के लिए नेतृत्व मैंने किया। जब मुझे वहाँ पे लोग मिले, उन्होंने बताया सक्षम ऑर्गेनाइजेशन के, और जब मैं हॉस्टल्स विजिट कर रही थी कैंपिंग फ्री कैंपिंग, तो मैंने नेतृत्व का भी फैसला जी नहीं, वो फ़ोटो के लिए नहीं थी। फ़ोटो तो बस एक जो मेरे साथ में भैया थे उन्होंने बोला था खिंचवाने के लिए। फ़ोटो के लिए सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एबीवीपी निरंतर सेवा में काम करती आ रही है, चाहे वो बस्ती पाठशाला के माध्यम से हो, चाहे वो ऋतु अभियान के, और हम लोग खुद भी ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए ऐसे काम लगाते हैं। और फिर सबसे बड़ी समस्या है, आपने कहा कि हम हर ऐसा हम लोग मुद्दा ला रहे हैं कि हर कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल हो, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी रहने के लिए। और जितने भी पीजीज हैं बहुत ही महंगे होते हैं, एक मध्यम वर्ग की छात्रा हूँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए हॉस्टल कट कर दियो, रिकंस्ट्रक्ट हो, कंस्ट्रक्ट हो, और गर्ल्स हॉस्टल तो उसमें ज़रूर है।